आगामी 26 अप्रैल को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खुलकर समर्थन करने वाली है। लिहाजा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सामने इस समर्थन के लिए कोई भी शर्त नहीं रखी है। आपको बता दें कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव की प्रक्रिया 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें 250 निगम पार्षद, दिल्ली के 7 सांसद, 3 राज्यसभा सांसद समेत 14 विधायक मेयर चुनाव में वोटिंग करेंगे। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव के लिए समर्थन मांगा था, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी के नेताओं ने बैठक करी और इसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज के मुताबिक इस समर्थन का फैसला किसने किया और किसके समर्थन में मांगा, ये सवाल नहीं है। दरअसल पिछले एक साल से ना तो स्टैंडिंग कमेटी बनी है और ना ही कोई, जिसके कारण दिल्ली का विकास रुका हो। अनिल भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले दिनों जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो देश के सामने था। उस वक्त लोकतंत्र तार तार हो गया था। आखिर में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। अब ऐसे में चंडीगढ़ जैसे हालात राजधानी दिल्ली में ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर ये अहम फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी का जो ये समर्थन है विशेष रूप से, तो ठीक है कि वो गठबंधन के साथी हैं, लेकिन साथ साथ हमें लोकतंत्र की और संविधान की जो रक्षा करनी है, इस तरह की कोई घटना दिल्ली में ना हो, उसकी कोशिश हमारे नेतृत्व ने की है कि हमारे दिल्ली नगर निगम के जो सदस्य हैं वो आम आदमी पार्टी को मेयर और डिप्टी मेयर में समर्थन देंगे, अपना मत देंगे। तो आज जो इंडिया गठबंधन जो लड़ाई लड़ रहा है वो इस देश के लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा करने की एक मुहिम और एक लड़ाई इंडिया गठबंधन कर रहा है। उस लड़ाई में आपने देखा कि जब निगम में चंडीगढ़ में जो हुआ, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ में निगम में काउंटिंग में करी गई, जिस तरह का माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें अपने स्तर पर फैसला दिया, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र को चुनी हुई चाहे निगम में सरकारें हों चाहे चुनी हुई दूसरी सरकारें हों, उनको संघीय ढांचे में मजबूत करने की जगह कहीं ना कहीं भाजपा नीति ये सरकार लगातार उसको कमजोर करने की कोशिश है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहले से ही एक साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 4 तो वहीं कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। और अब ऐसे में दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। अब ऐसे में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को लोकसभा और फिर नगर निगम के मेयर चुनाव में समर्थन देने के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छी पकड़ बनाई हुई है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अपने ही आपसी झगड़े के कारण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन मांग सकती है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कांग्रेस को समर्थन देना मजबूरी हो सकती है।